हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बता देता हूँ मोटो का मोबाइल है जिसका हम FRP लॉक कैसे तोड़ेंगे। तो उसका मॉडल नंबर है मोटो XT1721 और इसको हम मोटो C+ के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एकदम इजी तरीका बताता हूँ। रियली फ्रेंड्स, मैंने फ्लैश किया अपना मोबाइल और मोबाइल फ्लैश होने के बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ फैक्ट में। और इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके आप आसानी से अपना मोबाइल FRP लॉक हटा दीजिए। 100% श्योर रियल फाइल है और इसमें कोई फाइल बेकार फाइल नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप जो भी मुझे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसका फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्लैश फाइल है, ये देखो मोटो FRP और मोटो XT1721। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, अभी इधर देख सकते हैं आप दो फाइलें, एक FRP का ये है और ये फ्लैश टूल है उसका। तो हम टूल को ओपन कर देंगे। सबसे पहले ये देखिए फ्लैश टूल, यहाँ से इसको ओपन करके ओके कर देंगे। या फिर ये देख सकते हैं आप, दोनों खाली हो सके, आपको इधर भरा भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसके ऊपर डाउनलोड एजेंट में जाएंगे और उसके बाद हम अपने फाइल में जाएंगे जहाँ पे हमारा फाइल था। तो फाइल आप देख सकते हो फ्लैश फाइल, इधर के मोटो में जाएंगे और इसमें जाके हम ये जो ये नीचे दिया हुआ इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद डेटा प्लान बिन इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा ये देख सकते हैं FRP का एक फाइल इस पर इसके ऊपर शो कर दिया। सेकेंड स्क्रेचर लोडर, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया इस पर, लेकिन मैं आपको फिर वापस दिखाता हूँ। यहाँ से आके प्लेस फाइल मोटो FRP और इधर पर आके फिर इसके ऊपर रिवर्स आएंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए स्क्रेचर लोडर, ये मैंने फाइल लोड कर दिया और आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि ये देखिए इधर FRP लॉक जो आप देख रहे हैं, यहाँ से देखो इस पर बस ठीक है। और आप खुद से किसी के ऊपर ट्रिक मत करना, जैसे ये हो गया वैसे तो ठीक होगा नहीं, लेकिन जहाँ तक करना मत फ्रेंड, ये FRP लॉक के ऊपर ठीक है। फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। आपका ये फाइल लोड हो गया सबसे पहले, और आप सबसे पहले मैं आपको बोल दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप इसमें कुछ छेड़ना मत, ये डाउनलोड मोड पे ही रहने देना। अगर आप इसमें इस पे कर दोगे या इस पे कर दोगे तो मोबाइल डेड होने का भी चांसेस होता है। तो सबसे पहले मोबाइल आप फ्रेंड्स डाउनलोड मोड पे ही करो। ये आपका हो गया पहला क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे और स्विच ऑफ करने के बाद हम ये जो डाउनलोड का बटन है, ये डाउनलोड के बटन को हम प्रेस करेंगे पहले, और मोबाइल में बैटरी लगा के छोड़ देना। और जब ये प्रेस करेंगे उसके बाद हम USB केबल मोबाइल के अंदर कनेक्ट करेंगे। USB केबल जब कनेक्ट करेंगे फिर पावर बटन को एक से दो बार हम प्रेस करेंगे, एक दो तीन बार जो भी हो हम प्रेस करेंगे छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे हमारा एक रेड कलर का सिग्नल निकल जाएगा यहाँ से। तो रेड निकलने के बाद जस्ट इधर पे हमको ओके का लोगो मिल जाएगा, तो समझो हमारा मोबाइल FRP लॉक डन। अब ये FRP होने के बाद आप क्या करना, सबसे पहले जब ये FRP हो जाएगा तो मोबाइल का बैटरी निकाल के फिर रिटर्न को स्टार्ट करना। मोबाइल स्टार्ट होने के बाद फिर आएगा वो वाईफाई कनेक्ट पे। तो ये मत सोचना कि नहीं हुआ, मैंने भी यही सोचा था कि FRP नहीं डन हुआ, लेकिन जब मैंने उसके अंदर वाईफाई पासवर्ड डाला, वाईफाई पासवर्ड डालने के बाद वो मेरा लॉक स्किप करके मेरा FRP लॉक मोबाइल का खुल गया था। तो फ्रेंड्स, एकदम रियली सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। अगर ये गलत रहे तो मुझे डिसलाइक कर देना, और अगर सही मिले तो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। और भी मैं वीडियो हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियो आप लोग के बीच में लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ये भी बोलूँ, अगर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर उसका रिप्लाई दें, तो जिससे मैं आपको इसके बारे में और भी अच्छा अच्छा बता सकूँ। लेकिन ये रियल फाइल है फ्रेंड्स, कोई गलत फाइल नहीं है, क्योंकि मैं भी एक मोबाइल का मेरा भी शॉप है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे फ्रेंड्स लोग के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आए मेरे वजह से। तो आप लोग को मैं फाइल एकदम रियली फाइल डालूँगा जिससे मोबाइल डेड होने का कोई चांसेस ना हो। तो इससे मोबाइल को डेड होने का चांसेस नहीं है फ्रेंड, बिंदास आप प्लेस करिए।
थैंक्स फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, और एक लाइक अपने भाई को देते हुए चल जाना।